कि डीसीपी से झगड़ा हो, शिकायत डीसीपी की हो, मुकदमे का वादी इंस्पेक्टर हो, थाने ले चलिए हमको, वही बयान लीजिए, वही गिरफ्तारी करिए, हम विधिक तरीके से अपनी जमानत कराएंगे, विधिक तरीके से अपनी बात उठाएंगे। आपने हमने अखबार में पढ़ा कि आपने कहा एक एडीसी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, जांच करके तब तय करेंगे। जांच हो गई और हमारा पक्ष जाना ही नहीं, क्या बताओ जायज है कि डीसीपी से झगड़ा हो, शिकायत डीसीपी की हो, मुकदमे का वादी इंस्पेक्टर हो और उसका विवेचना अधिकारी उसका सूचना इंस्पेक्टर हो, बताइए कैसे न्याय होगा साहब? इससे बात करें, बताइए, हम तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि थाने ले चलिए हमको, वही बयान लीजिए, वही गिरफ्तारी करिए, हम विधिक तरीके से अपनी जमानत कराएंगे, विधिक तरीके से अपनी बात उठाएंगे, हम धन्यवाद करके जाना चाहते हैं, हम तो अकेले ही ऊपर साथियों, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। भाई आपने एक जांच कराई, आपने हमने अखबार में पढ़ा कि आपने कहा एक एडीसी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, जांच करके तब तय करेंगे, साहब जांच के लिए हमारी बात पूछी नहीं, जांच हो गई और हमारा पक्ष जाना ही नहीं, और वीडियो देखे, वो वीडियो क्यों नहीं देखा गया जो अरमापुर ईदगाह में घटना हुई, तो उसका वीडियो क्यों नहीं देखा गया, आज तक उसका वीडियो जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि उसमें अधिकारी का अहंकार था इसलिए लाया गया, वो वीडियो जनता के सामने नहीं आया और वीडियो देख करके एक पक्षी आधार पे मुकदमा लिख लिया गया, कैसे उम्मीद करेंगे न्याय हो, हम कैसे उम्मीद करेंगे न्याय, आप धन्यवाद होते जा रहे हैं जो भी आप बात कह रहे हैं जब आपके एडीसी पे जांच करी, हम संपर्क क्यों नहीं किए, हमारा वर्दन क्यों नहीं लिया, आपकी FIR में आपके इंस्पेक्टर ने शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, आपने शब्दों, हमने कहा कि अनुशासनहीनता रोको, आप लिख दिया शोभायात्रा रोको, हमने अनुशासनहीनता रोकने को कहा था ना कि अनुशासनहीनता रोकी जाए, आप ऐसे कैसे चलेगा भाई, आपने मुकदमे में 3 आरोप लगाए हमारे ऊपर कि हम थाने चले गए बगैर परमिशन, ये आरोप है, हमें थाने जाने की अनुमति चाहिए क्या, हमें थाने जाने की अनुमति चाहिए क्या, हमें अधिकारी से वार्ता करने की अनुमति चाहिए क्या, तो ये आरोप लगा के मुकदमा लिखा जाएगा विधायक पर, ऐसे लोकतंत्र खबर होगा, कैसे लोकतंत्र है यार, आप बढ़ेंगे चलो आगे बढ़ेगा, मिल जाएंगे। मैं आया था पनकी थाने में, आप लोग मालूम है एक अलोकतांत्रिक तरीके से मुकदमा लिखा गया, उस मुकदमे के खिलाफ हम लोग आए थे, हमारा मन था कि बजरंग बली बाबा ने रावण के अहंकार को तोड़ा था और रावण से बड़ा अहंकार किसी का था नहीं, ये तो केवल एक अधिकारी के अहंकार की बात थी, तो हमने बाबा बजरंग बली का आशीर्वाद लिया और हम लोग दंडवत करके जाना चाहते थे, कुछ दंडवत लगा भी ली थी, तब तक वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उसमें महिला अधिकारी भी आई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उन पर वो सहानुभूति पर विचार करेंगे, निष्पक्ष विचार करेंगे, तो उनको हमने अपना मांग पत्र सौंपा है और ये सरकार से मांग करी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। क्या क्या मांग की है? ये जो मूल वीडियो था जिसमें DCP और सम्राट विकास के बीच विवाद की बात कही जा रही है, जहां से घटना की चिंगारी उठी थी, वो वीडियो जारी करिए, हमारे मोबाइल में वीडियो था, हमारे कार्यकर्ता मोबाइल में वीडियो था, पुलिस ने छीन करके मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया और वीडियो को डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया ताकि वीडियो रिट्रीव ना हो सके, तो वो मूल वीडियो जारी किया जाए, जब घटना में हमारी शिकायत DCP स्तर के अधिकारी से है और उसका मुकदमा इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लिखेगा, वादी बनेगा और उससे भी छोटा अधिकारी उसकी जांच करेगा, तो बताओ निष्पक्ष क्या होगा? ADCP ने घटना की जांच करी और हमारा बयान नहीं लिया, बगैर हमारा पक्ष जाने मुकदमा लिख लिया, तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग छोड़े थे, तो हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तो हम लोगों ने भी चूंकि कानपुर की लोक व्यवस्था का सवाल है तो हम लोगों ने अधिकारियों की बात को फिलहाल माना है, अगर चुनाव का पीरियड है तो चुनाव पर इनको हम समय देना चाहते हैं कि चुनाव में लोक व्यवस्था भंग ना हो, लेकिन इस पीरियड में अगर उस मुकदमे का ठीक निस्तारण नहीं हुआ तो चुनाव के बाद हम लोग दोबारा घोषणा करेंगे, तभी आचार संहिता भी नहीं होगी और तभी धारा 144 भी नहीं होगी, केवल समाजवादियों का सैलाब होगा और देखेंगे कानपुर पुलिस कैसे रोकती है। विधायक जी, सम्राट विकास यादव जो आपके नेता है, जब ईदगाह में नमाज अदा करने जा रहे थे वहाँ पे उन्होंने एक राजनीतिक पोस्टर लगा के कुछ जो है कुछ चीजें बांटने का प्रयास किया जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, इसमें क्या उसका वीडियो जारी करें ना, वो हम तो उसी घटना का वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो जारी नहीं कर रहे हैं, जब गाड़ी रोक ली अब चलान करना ही है तो किसी बात का कर देंगे, वो तो स्कूटर पे भी सीट बेल्ट का चलान कर देते हैं और कार में हेलमेट चलान कर देते हैं, भाई इन लोगों को क्या भरोसा, आप कार में बैठे होंगे हेलमेट चलान हो जाएगा, स्कूटर में बैठे होंगे सीट बेल्ट का चलान हो जाएगा, भाई पनकी थाने से मूल वीडियो जारी क्यों नहीं कर रहे, और क्या विधायक का थाने आना लोक व्यवस्था को भंग करना है, ये सवाल है मेरा, क्या हमको थाने आने के पहले अनुमति लेनी चाहिए थी,
क्या हमको अधिकारियों से बात करने के लिए अनुमति लेनी चाहिए? यह है सवाल हमारा। पुलिस के आश्वासन से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट कितना होंगे, हैं तो विपक्ष ही, हम संतुष्ट क्या होंगे, और मजबूरी में क्या ना हो, लेकिन चूंकि कानपुर की व्यवस्था को भी भंग नहीं करना है, शहर तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फिलहाल उनकी बात मानी है। चुनाव पर इंतजार करेंगे, चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी दोबारा हम लोग फिर नए तरीके से उतरेंगे। मजबूरी का है, मजबूरी नहीं है, लेकिन अब दंडवत तो हो गया, प्रभु ने प्रेरणा दी है कि इनको समय दे दो, क्योंकि चुनाव जीत जाओगे आधी बात तो अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए अभियोग पंजीकृत था, लेकिन इसमें कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं थी, और आज तो शनिवार है, वैसे भी आम ड्यूटी रहती है। विधायक जी आए थे, उन्होंने कुछ बातें अपनी रखा है जिसको संज्ञान में लिया गया है। हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से जो उन्होंने तथ्य रखे हैं लिखित रूप से उस पर डिस्कस करेंगे, और चूंकि उसमें कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं थी इसलिए गिरफ्तारी का कोई औचित्य भी नहीं था, और हम लोग आए भी नहीं थे कि गिरफ्तार की।